शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार जोरों पर है। मुकाबला भाजपा और कांग्रेस दोनों मुख्य दलों के बीच है। ऐसे में दोनों ही दल चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने अपने बड़े नेता चुनावी प्रचार में उतार दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज से नगर निगम शिमला के चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने शिमला के 10 वार्डों में ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं की। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार ही शिमला के विकास को आगे बढ़ाएगी। शिमला के लोगों को साफ पानी मिलेगा, सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, तो वहीं बीजेपी पर भी निशाना साधा। मैं खुद शिमला नगर निगम का पार्षद रहा हूँ, 2 बार पार्षद रहा हूँ। शिमला नगर निगम की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ और आज मेरी पहली बैठक है जिसमें वार्ड नंबर 15 में उमंग बांगा जी खड़ी है इनके समर्थन में। और यहाँ के लोगों को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का ये कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही 5 साल, नगर निगम में रही 5 साल, केंद्र में पिछले 5 साल से सत्ता में है। शिमला नगर निगम के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है। और जो 40,000 लीटर की बात करते हैं, 3 इंजन सरकार थी तब तो उपलब्ध नहीं करवाया, लेकिन मैं शिमला की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपको वर्ल्ड क्लास जो टेक्नोलॉजी है यूवी वायरस के द्वारा स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएंगे। और शिमला नगर निगम में जहां भी सर्कुलर रोड की बात है या पार्किंग की बात है या छोट और समस्या है, उन समस्याओं का निपटारा आने वाले 4 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार पार्षद के माध्यम से और विधायक साहब के माध्यम से करेगी। वहीं शिक्षकों की पारिश्रमिक भर्तियों को लेकर छपी खबरों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है। सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति चिंतित है और जो भी रोजगार देगी वो आयोग के जरिए ही दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि आज सरकार ने कर्मचारियों के लिए डीए की 3% घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार कहीं भी अस्थाई टीचरों की नियुक्ति करने नहीं जा रही है। मैंने भी अखबारों के माध्यम से आज सुबह पढ़ा कि सरकार ने शिक्षा निदेशक, उप निदेशक के माध्यम से नियुक्तियाँ करने जा रही है। किसी भी प्रकार की बैकडोर नियुक्तियों का सरकार की कोई मंशा नहीं है। जो कमेटी है उसे सिर्फ ये कहा गया है कि आप जहाँ जहाँ शिक्षक खाली है उन पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी और जो नियुक्तियाँ होगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत। नगर निगम के चुनाव के लिए कुछ दिन बाकी रह गए हैं। दोनों पार्टियों की ओर से जोरदार प्रचार किया जा रहा है। हालांकि नगर निगम की कुर्सी पर कौन काबिज होगा ये देखने वाली बात होगी। ये सत्ता में बैठी सरकार का फर्क है। समर हिल इस वार्ड में आपने इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की वो बैठक देखी होगी जो नुक्कड़ सभा के उसमें संजौली चौक समर हिल में अनुराग ठाकुर करते नजर आए थे। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सरकार की खुद मुख्यमंत्री की बारी है। आप इस भीड़ के साथ अंदाजा लगा सकते हैं ये फर्क सत्ता में बैठी सरकार का है और विपक्ष में बैठी भाजपा का। शायद यही वजह है सुखविंदर सिंह सरकार दावा कर रही है कि 10 सालों बाद शिमला के नगर निगम पर कांग्रेस अपना काबिज होने के साथ सत्ता के मूड को बदलती नजर आएगी। लेकिन भाजपा ने कहा है झूठे वादे करने वाली ये कांग्रेस अब गारंटियों से बचने की कोशिश कर रही है और यही वजह है इन 100 दिनों के पूरे हो जाने के बाद भी जनता का मूड, जनता का दिल अब भाजपा से जुड़ने के साथ कांग्रेस से हटता नजर आ रहा है। कांग्रेस और भाजपा के दावों के बीच में 2 तारीख को मतदान होगा, 4 तारीख को नतीजे आएंगे और देखा यह जाएगा केंद्रीय मंत्री के वो रोड शो जो आम चुनाव में भाजपा को सत्ता पर काबिज नहीं कर सके वो क्या सत्ता में बदलाव लाने की स्थितियां पैदा करेंगे, या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का चेहरा या सत्ता का चेहरा नगर निगम में कांग्रेस को काबिज करेगा। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।